आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास क्वेश्चन है, वी गेट N1, N2 एंड बीटा पार्टिकल पर सेकेंड फ्रॉम टू स्पेसिमेन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। देखो, अ रेडियो एक्टिव स्पेसिमेन मतलब जो मटेरियल है वो एक ही है, ओके मतलब एक कोई सैंपल है ओके तो किसी भी गिवन सैंपल के लिए जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा जो है वो क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट लैम्डा जो है ये टाइम के साथ कांस्टेंट विथ टाइम किसी भी गिवन पार्टिकल के लिए डिपेंड नहीं करता है, ओके तो एक ये चीज हो गई। और जो रूल होता है रेडियो एक्टिविटी का वो क्या होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dN/dt इक्वल्स टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ये रेट जो है कितने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस बचे हैं उस टाइम पे उसके। तो अगर एक इस पे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं अगर इंट्रोड्यूस कर दे तो ये लॉ ये होता है dN/dt इक्वल्स टू -λN। ओके तो देखो हमें क्या दिया है, हमें दो टाइम पे दिया है N1 एंड N2 बीटा पार्टिकल्स पर सेकेंड फ्रॉम टू स्पेसिमेन। ओके तो N2 बीटा पार्टिकल्स पर सेकेंड तो रेट इसे मैं R लिख लेता हूं। तो R1 क्या दिया है, R1 दिया है N1 ओके और इसकी वैल्यू क्या है लैम्डा। मान लो कि उस टाइम पे जो N1 एट टाइम T ओके तो ये अपना R1 है। R2 क्या है, R2 है N2 लैम्डा। नंबर ऑफ एटम्स को यहां मैं एन में कंफ्यूजन हो रहा है ना तो मैं A1 और A2 लिख लेता हूं, A और A2 ओके ये T2 पे और इसे भी मैं dA के टर्म में लिख लेता हूं तो आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी खत्म हो जाए। तो A क्या है अपना, A है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम T ठीक है। तो अब हमें R1/R2 निकालना है, R1/R2 पहले ही बात हो चुकी है कि लैम्डा चेंज नहीं होएगा तो ये क्या आ गया लैम्डा A1 T1/λA2 at T2ओके और इसे वैल्यू जो है वो N1/N2 के बराबर है। तो यहां से देख रहे हैं कि जो अपना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है बेसिकली जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितने न्यूक्लियाई है उतने एटम है, एक एटम में एक ही न्यूक्लियाई होगी, एक एटम में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई नहीं हो सकती। तो नंबर ऑफ रेशियो जो है वो एटम का लो या न्यूक्लियाई का लो बराबर आएगा। तो A1/A2 क्या आ गया अपने पास, A1/A2 आ गया N1/N2 ओके तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है B इज आवर राइट आंसर। क्लासिक्स से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।